सर्विकल कैंसर यानी सर्विक्स का कैंसर बच्चेदानी के पहले हिस्से को कहा जाता है, जिसे बच्चेदानी का मुंह भी बोला जाता है। पाकिस्तान में और डेवलपिंग वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। अवाम में इसकी आगाही का ना होना और इसकी स्क्रीनिंग का ना होना दो सबसे बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर काफ़ी कॉमन हो गया है। शादीशुदा औरतों में जो सबसे कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स हैं सर्विकल कैंसर में, उसमें सबसे पहले है हैवी या इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग। वो ब्लीडिंग जो कि माहवारी के 7 दिन के बाद आए, जिसे हम एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावा आपस में मिलाप के बाद कोई ब्लीडिंग का होना, इसके अलावा एनी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी ना ठीक हो, या एनी क्रॉनिक बैक पेन। दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ सर्विकल कैंसर। इसलिए ज़रूरी है कि हर शादीशुदा औरत 21 साल के बाद एवरी 3 ईयर्स अपने फिजिशियन या अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जाया करें। सर्विकल कैंसर से बचाव का एक और भी तरीका है और वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अवेलेबल है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के ख़िलाफ़, और ये वैक्सीनेशन यूजुअली बच्चों में, लड़कियों में फ्रॉम द एज ऑफ 10 ऑनवर्ड्स अप टू 15 या 16 और उसके बाद भी हम आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी साइंस और सिम्टम्स जो मैंने डिस्कस किए हैं वो हों, या आप सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग में इंटरेस्टेड हों, आप करना चाहें, तो आप नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फैमिली फिजिशियंस भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, जो आपके साथ डिटेल में ये डिस्कशन भी कर सकते हैं, और जो टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू।